तो की हालचाल दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि नेपाल टीम वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज जिम्बाब्वे वर्सेस नेपाल का बेहद ही रोमांचक वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच खेला गया, जहां नेपाल के बल्लेबाज कुशाल बोर्टल की शानदार बैटिंग देखने को मिली। इस क्वालिफायर मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया, जहां ये मैच काफी ज्यादा रोमांचक था। वैसे दोस्तों, आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेपाल के ओपनर्स कुशाल बोर्टल और आसिफ शेख ने काफी अच्छी ओपनिंग शुरुआत की, जहां तीसरे ओवर में कुशाल ने 1 फोर, वहीं सातवें ओवर में कुशाल ने 2 फोर लगा दिए, जहां पहले 10 ओवर तक नेपाल का स्कोर था 45 रन बिना किसी नुकसान के। 12वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। सेकंड पावर प्ले के स्टार्टिंग में दोनों बल्लेबाजों ने स्लो बैटिंग की, जहां 15 ओवर तक नेपाल का स्कोर था 61 रन। अगले 5 ओवर में जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने सिर्फ 23 रन ही दिए, जहां 20 ओवर तक नेपाल का स्कोर था 84 रन, जहां कुशाल बोर्टल ने 63 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। 22वें ओवर में कुशाल बोर्टल ने नेपाल की इनिंग्स का पहला सिक्स लगाया, जहां दोनों प्लेयर्स ने 23वें ओवर में 100 प्लस रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अटैक किया, जहां 26वें ओवर में कुशाल बोर्टल ने 1 सिक्स और 1 फोर लगाया, जहां नेपाल का स्कोर था 125 रन 26 ओवर के बाद। 28वें ओवर में आसिफ शेख ने चटारा को 3 फोर लगा दिए, जहां 29वें ओवर में दोनों प्लेयर्स के बीच 150 प्लस रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, जहां आसिफ शेख ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। जब नेपाल का स्कोर 171 रन था, तब अच्छा खेल रहे कुशाल बोर्टल 99 रन पर बोल्ड हो गए। वहीं जब नेपाल का स्कोर 174 रन था, तब नेपाल के दूसरे ओपनर आसिफ शेख 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। क्रीज पर नवे आए कुशाल मल्ला ने 35वें ओवर में 1 सिक्स और 1 फोर लगाया, जहां अगले 5 ओवर में कुशाल मल्ला और रोहित पौडेल ने 40 रन स्कोर किए, जहां नेपाल का स्कोर था 211 रन 2 विकेट के नुकसान पर 40 ओवर के बाद। 42वें ओवर में रोहित पौडेल ने 2 फोर, वहीं कुशाल मल्ला ने 1 सिक्स लगाया, पर 44वें ओवर में अच्छा खेल रहे रोहित पौडेल 31 रन बनाकर आउट हो गए। नेपाल का स्कोर 250 रन 3 विकेट के नुकसान पर 44 ओवर के बाद।